नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जहांगीर, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कोल्ड फिल्म मिरर। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद सद्दाम, कैमरामैन अलादीन खान के साथ न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पड़ताल करने के लिए निकले हैं कि आम लोग जो है कोविड-19 वैक्सीन को लेकर के कितना परेशान रहे हैं। कुल्टी अंचल में खास करके यहाँ से लोग जो है जामताड़ा झारखंड साइड में जा कर के वैक्सीन लेने के लिए मजबूर हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है, जब इसकी जानकारी हमने यहाँ के नज़दीकी अस्पताल व डीएम से ली तो उन्होंने हमें ये जानकारी दिया कि अभी सेकेंड डोज का जो काम है वो चल रहा है। वैक्सीनेशन जो है सेकेंड डोज दिया जा रहा है वैक्सीनेशन का, और फर्स्ट डोज का काम जो है सिर्फ नौकरों को या मजदूरों को ही दिया जा रहा है। उसके बाद जब हमने इसकी जानकारी डॉक्टर अजय पोद्दार, कुल्टी विधायक जो हैं, उनसे लिया तो उन्होंने हमें ये जानकारी दी कि 90,45,000 वैक्सीन जो है बंगाल सरकार को केंद्र सरकार द्वारा दिया गया है। बावजूद उसके यहाँ पे काम जो है काफ़ी धीमी गति से है। प्रशासन यहाँ पे, स्वास्थ्य मंत्रालय जो है काफ़ी यहाँ पे धीमी गति से काम कर रही है, जिस कारण लोग यहाँ पे परेशान हैं। उसके बाद जब हमने लोगों से इस बारे में जानकारी ली तो लोगों ने कहा कि यहाँ पे इसलिए वैक्सीन नहीं ले रहे हैं क्योंकि इस जगह पे वैक्सीन लेने के लिए 15 दिन या एक महीने का इंतज़ार करना पड़ रहा है, जिससे हमें काफ़ी नुकसान हो रहा है। इस कारणवश हम लोगों ने जब झारखंड में, हमें पता चला कि झारखंड में वैक्सीन जो है सिर्फ आधार कार्ड दिखा करके सरल रूप से दे दिया जा रहा है, तो हम लोगों ने वहाँ पर जाना शुरू किया, ऐसा लोगों का कहना है। उसके बाद इसकी पूरी जानकारी जो है हमने खंगाली शुरू की तो हमें जो नतीजा मिला है वो आपके सामने है। हम लोग आसनसोल बंगाल में नहीं दे रहा है, पश्चिम बंगाल में, जिसके कारण हम लोग को झारखंड में आना पड़ा। जी, आपका नाम क्या हुआ? राजेश। কেন রিকমেন্ড করতে হলো কেন? হেলথ সেন্টার এসেছিলাম আমরা, তো বললো কি রিকমেন্ড হবে, তাহলে ইয়ে ভ্যাকসিন দেওয়া হবে, ফার্স্ট ডোজ তাহলে দেওয়া হবে না। কার রিকমেন্ড চেয়েছিল? মীরা সিং বা তাবুসুমারা। এরা বলছে হেলথ অফিসারের চাইছে, তুমি তাবুসুমারা কেন? না, আমি তো মায়েরটা দিলাম, মীরা সিং সাইনে দিলাম। আজকে ফোন এসেছে মায়ের, তোমার সাথে আসতে হবে। দীর্ঘদিন দাঁড়িয়েছেন কি নাম আপনার? সমস্যা হচ্ছে যে আপনাকে ঝাড়খণ্ড ছুটে যেতে হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা বলতে এখানে লাইনে দাঁড়িয়েও ভ্যাকসিন পাচ্ছি না, অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করেছি তাও ভ্যাকসিন পাচ্ছি না। হকারদের জন্যও আমি আবেদন করেছিলাম, তাতেও আমি ভ্যাকসিন পাইনি। হ্যাঁ, এই জন্য জামতারাতে যাওয়া হয়েছিল আর কি, জামতারা মেহেজামে যাওয়া হয়েছিল আর কি। সুবিধা ওইখানে, সুবিধা বলতে ওখানে গিয়ে এক ঘন্টার মধ্যে আমি ভ্যাকসিন নিয়ে চলে এলাম, আধার কার্ড নিয়ে গেলাম, সঙ্গে সঙ্গে ই করে গেলো। কি চাইছেন এখন এইখানে, কি এই সুবিধা দেওয়া? এই সুবিধাটা এখানে হলে তো খুবই ভালো, তাহলে এখানকার বাসিন্দারা সব পেয়ে যাবে এই আর কি। আমার ঘরেরও সবার এখনো হয়নি। কি নাম আপনার? আমার নাম সুব্রত রায়। বঙ্গালে বাত এসা হ্যায় কি হাম লোগ রেহ করকে ভি হাম লোগ ভ্যাকসিন নেহি মিল রাহা হ্যায়। বহুত কোই কোই ইয়াহাঁ পে দো মহিনা পহলে হাম লাগায়ে হ্যায় বাট মুঝে মিলা নেহি হ্যায়, অর দো মহিনা পহলে হি সুনে কি মিল রাহা থা, অর আবি জব গয়ে হাম বীচ মে ফির तो बोला कि सेकंड डोज मिल रहा है। फिर हम दो तीन बार घूम चुके हैं वहाँ से, कुमाडिया से, आपका सीतारामपुर कुमाडिया है, वहाँ से घूम चुके हैं। तो लास्ट में मुझे वहीं से सुनने में आया कि आपका जामताड़ा मिल रहा है, तो जामताड़ा में मैं आधार कार्ड ले गया हूँ और रजिस्ट्रेशन करा के गया था मैं, तो तुरंत मुझे संगे संग मिल गया है। हम चाहते हैं कि यहाँ का भी और निवासी लोग को भी बेंगोल में मिले, कहे कि बूढ़ा बुजुर्ग लोग जो है तो चल नहीं पाएगा तो दूर, लोग चाहते हैं कि वो लोग यहाँ मिल जाए। हम लोग यंग है, बेच का है, लड़का लोग, तो हम लोग चल गए हैं। फर्स्ट डोज आपको नहीं हुआ था?
फर्स्ट डोज मेरा नहीं हुआ था। फर्स्ट डोज के लिए मैंने बहुत दौड़ा, मैंने बहुत ये किया, परेशान किया, बट हुआ नहीं है। तो लास्ट में मुझे मजबूरी में झारखंड में जाकर जाना पड़ा मुझे। आपका नाम? मेरा नाम संदीप प्रसाद है। हटिया कुमार डीहा ते हमारा वैक्सीन लेते जाछी, प्रतिदिन घुराछे दो चार दिन, दस पंद्रह दिन टा वैक्सीन दिए, तारपरे बंद कर दिए छे तीन चार मास। अखन सेकंड डोज दिया जाछे, एखने आमी पश्चिम बंगाले थाकछी सीतारामपुर बासी, एखने वैक्सीन दिया जाय नाई। ओइखने आधार कार्ड लिए आमी जामताड़ा जाच्छी, तो ओइखने ओइखने भी तो बीजेपी सरकार नाई, एखने बीजेपी सरकार नाई, ओइजन्ने देखने पावा जाच्छे ने पश्चिम झारखंड है बीजेपी सरकार ने, लेकिन ओइखने आधार कार्ड लिए जाच्छी, संगे संग वैक्सीन दिया जाच्छे। एटा समस्या की आपनार देखुन, ऐ सब ये तो घटोला बाज होच्छे, एकदम जा होच्छे किछु होच्छे नहीं, खाली घटोला बाज। HLD हॉस्पिटले कोथाई थी के वैक्सीन आसलो, आस्था हॉस्पिटले कोथाई थी के वैक्सीन आसलो, कोलकाता थी के दुर्गापुर चार दी के वैक्सीन कोथाई थी के आसलो, और आमादेर वैक्सीन पावा जाच्छे नहीं। हमरा झारखंड जाच्छे, हमार पूर्वजन बेंगले था। प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, जब हम यहाँ जाते हैं कुमारडीहा, हमारे बगल में कुमारडीहा है जो सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ पे जाते हैं तो बोलता है स्लॉट बुकिंग करो, कोई स्लॉट बुकिंग होता नहीं है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते स्लॉट बुकिंग होता नहीं है। पर यही जब मुझे पता चला कुछ लोगों से कि जामताड़ा में दिया जा रहा है वैक्सीन, तो मैं गया जामताड़ा, तो वहाँ पर कोई स्लॉट बुकिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ ऑनलाइन आप आधार कार्ड लेके जाओ, रजिस्ट्रेशन करा के जाओ, आराम से आपको एक घंटे के अंदर में वहाँ पर मिल जा रहा, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पर वैक्सीन नहीं मिल रहा, ये क्या कारण है ये लोग देखे? क्या चाहते हैं बंगाल में वैक्सीन? यहाँ पे चाहते ये है कि अगर कोई सरकारी हॉस्पिटल में दे रहा है तो बआसानी जैसे जामताड़ा में दिया जा रहा उस तरह दिया जाए, या कोई कैंप लगा के कहीं पर भी दिया जाए, कैंप लगाया जाए। ये वैक्सीन है सबको लेना, ये ज़रूरी है, पता है, फिर भी इस तरह क्यों किया जा रहा? यही अगर बोला जाता कि फर्स्ट डोज अगर नहीं है, अगर ऐसा कोई सवाल है तो HLG में पैसा लेके 780 रुपये लेके कैसे दिया जा रहा? फर्स्ट डोज कहाँ से आ रहा है उसके पास? पैसा लेने के बाद फर्स्ट डोज मिल जा रहा है उसे, और जहाँ पे सरकारी है जहाँ पे पैसा नहीं लग रहा फ्री, उसमें फर्स्ट डोज बता रहा नहीं है, ख़त्म हो गया, शॉर्टेज हो गया, कैसे हो जा रहा है ये? इसके पीछे क्या कारण है इसका पता करें। सही, हमारा नाम आया सर।